सबसे पहले तो नमस्ते प्रणाम जितना भी इस चैनल को देखने वाले दर्शक हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो रामनवमी का भी बहुत सारी बधाई सबको। और करिया फिल्म का शूटिंग शुरुआत हुआ है। करिया फिल्म दो भाषा में बन रही है, भोजपुरी और तेलुगु में। और इसके डायरेक्टर हैं अंगद ओझा जी और हीरो भी वही हैं। और फिल्म पहले मैं इनके साथ वायरस कर चुका हूँ जो भी दो भाषा में बनी थी, तेलुगु और भोजपुरी दोनों में। तो अच्छी बात है कि आज नवरात्रि के दिन एक भोजपुरी फिल्म का शुरुआत हुआ है और मज़ा आ रहा है। तो पहला ही दिन है और आगे आगे जैसे शूटिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और अच्छा इन्जॉय करेंगे हम लोग। बहुत दिनों बाद मैं खुद भी करीब मुझे लगता है 3-4 साल बाद मैं देवरिया में शूटिंग कर रहा हूँ। और देवरिया में से शूटिंग मैं बहुत कर चुका हूँ, बहुत सारी फिल्मों का शूटिंग करा चुका हूँ। अब प्रॉपर मैं देवरिया का हूँ भी, देवरिया जंगल ठकुरही मेरा गांव है। और मैं भैया हमार की शूटिंग यहाँ पहली शूटिंग कराया था जब मनोज तिवारी सुपरस्टार थे और मनोज तिवारी जी और उनकी फिल्म कराया था। उसके बाद अभी ये फिल्म शूट चल रही है और देवरिया की विभिन्न लोकेशनों पर शूट हो रही है फिल्म ये। और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पर फिल्म बनाने के लिए, फिल्म शूट करने के लिए। इस फिल्म में मैं बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि 5-6 साल बाद मैं फिर से वर्दी पहना हूँ, नहीं तो नेता और यही सब करेक्टर कर रहा था मैं एज ए विलन। इसमें भी मैं विलन ही हूँ लेकिन एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जो मतलब खोलूँगा नहीं, सस्पेंड टाइप का कैरेक्टर है इसका। और ये दो कदम आगे चलता है दो कदम पीछे चलने वाला कैरेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और आज तो पहला ही दिन था, दो सीन किया हूँ, अच्छा लग रहा है शूट करते समय। अब मैं जैसे बताया पहले ही कि मैं एक फिल्म इनकी ही की थी मैंने वायरस, जो दो लैंग्वेज में थी। तो ये भी दो लैंग्वेज में है, एक एक्टर के लिए अगर जो अलग अलग लैंग्वेज मिलता है काम करने लिए तो बहुत बड़ी बात है। और अच्छा लग रहा है कि हम एक अनदर लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिल्म को शूट कर रहे हैं। तो जब बन के आएगा तब देखने में सबको अच्छा लगेगा, मुझे खुद भी अच्छा लगेगा जब एक अनदर लैंग्वेज में मैं बोलते हुए नज़र आऊँगा। अंगद जी के बारे में यही कहूँगा कि इनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, तो बड़े जुझारू इंसान हैं, मतलब दो दो जिम्मेदारियाँ लेके चलते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि ये जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर है। एक्टर तो है ये हैं, मतलब वो कंप्लीट करीब मुझे लगता है साउथ की भी काफ़ी फिल्में किए हैं एज ए हीरो और ये फिल्म भी कर रहे हैं और बहुत ही टैलेंटेड है, मज़ा आता है। जो उनको फिल्म में डिमांड है उस डिमांड को लेके पूरा करते हैं। एक अच्छी सोच है उनकी, अच्छी थिंकिंग है, सिनेमा के लिए जीते हैं, सिनेमा एक अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी अभी तक कम से कम नहीं कुछ तो मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट गिनती तो नहीं है लेकिन एक अनुमानन में 150 तो क्रॉस हो चुका हूँ, 150 फिल्में मैं भोजपुरी की कर चुका हूँ। और आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा तो सैकड़ा तो मतलब हज़ार छूना चाहता हूँ, आगे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो। और इस साल मेरी कई फिल्में रिलीज पे हैं, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने इस साल जो है करीब 19-20 फिल्में कर लिया है मैंने, तो सब एक के करके एक एक रिलीज होती रहेंगी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए किरदार एक एक्टर के लिए किसी टाइप का भी हो एक चैलेंजपूर्ण होता है और हर किरदार में जीने का अलग ही मज़ा है। लेकिन मेरा विलन करता हूँ मैं, नो डाउट पब्लिक के नज़रों में विलन ही रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब पॉजिटिव किया है तो लोगों ने सराहा है मुझे, तो मैं पॉजिटिव में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। पॉजिटिव में कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं करने के लिए, नेगेटिव तो ठीक है, नेगेटिव में भी हमने बहुत कुछ कर लिया, 150 फिल्में कर लिया, तो अब दिल ये करता है कुछ अलग मिले। पॉजिटिव मैं थोड़ा ज़्यादा ही बेटर कर सकता हूँ तो वो भी करता हूँ। मैंने शुरुआत ही हीरो से किया था, भोजपुरी फिल्म का शुरुआत ही हीरो से किया था। दो फिल्में मैंने की लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिली, तो जहाँ मंजिल को ले जाना था वहाँ लेके आया। और एज ए विलन मैं खुश हूँ कि आज पब्लिक के नज़र में और लोगों की नज़र में हूँ एज ए विलन, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फैंस और दर्शकों को यही कहूँगा कि आप लोग फिर से एक बार सिनेमा हॉल का रुख कीजिए, क्योंकि सिनेमा हॉल में जो सिनेमा दिखता है वो मोबाइल पे नहीं दिखता है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार सिनेमा हॉल जाएं फिर से और सिनेमा में ही फिल्मों को देखें। और ये कहूँगा कि रामनवमी है,
तो रामनवमी पर्व भी आप लोग मनाएं बड़े प्यार और उल्लास से।